एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम प्रेजल वर्ब्स प्रैक्टिस करेंगे और डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ वोकैबुलरी भी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये 60 प्रेजल वर्ब्स हैं और ये वीडियो पार्ट वन है। हियर आर 60 ब्रीफ फ्रेजेस, इट इज अप टू यू फाइंड द क्लोजेस्ट डेफिनेशन ऑफ द फ्रेजेस। आपको 60 फ्रेजेस दिए जाएंगे, आपको सबसे ज़्यादा करीब उसका डेफिनेशन बताने वाला वर्ड फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला फ्रेजल वर्ब, डिससेवल अपीयरेंस। डिससेवल मतलब डिसऑर्डर, डिसऑर्डर जो चीज़ जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं है। और इसका और क्या हो सकता है, डिसअरेंज्ड, डिसअरेंज्ड। अब आते हैं अनटाइडी पर। अनटाइडी मतलब मेसी, मेसी होना, क्लीन नहीं होना, अनक्लीन होना, डट्टी होना, डट्टी होना। और फायरेसी मतलब एग्रेसिव, एग्रेसिव। एंग्री वाइल्ड होना। और फुलिश का मतलब होना रेकलेस, कोई भी चीज़ का कोई भी ध्यान नहीं होना। और अनवाइज है जिसका दिमाग में कुछ नहीं है, काम नहीं करता। और पिक्युलर क्या होता है, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, वियर्ड, वियर्ड होना, सबसे अलग होना। अनहैप्पी, नॉट हैप्पी, नॉट हैप्पी, नॉट हैप्पी। और सैड होना, ये सब अनहैप्पी होता है। तो कौन सा इन सब में से कौन सा सबसे सिमिलर है इस फ्रेजल वर्ब से, कौन सा, डिसअरेंज्ड और डिसऑर्डर्ड, इन सब में से कौन सा सबसे ज़्यादा मिलता है उससे, अनटाइडी से। अनटाइडी मतलब मेसी होता है, डर्टी होता है, जो चीज़ जहाँ पे होना चाहिए वहीं पे नहीं होता है। डिसेबल्ड का मतलब भी वही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, अनटाइडी। नेक्स्ट, अ बफलिंग प्रॉब्लम। बफलिंग मतलब कि इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जो कि आपके समझ से बाहर है। फॉर एग्जाम्पल, द क्राइम इज ए बफलिंग मिस्ट्री फॉर द पुलिस। पुलिस के लिए ये क्राइम सुलझाना अब उनकी बस से बाहर है, उनके समझ से बाहर है। तो समझ के बफलिंग का मतलब, अब देखिए इन पांच में से कौन सा इस बफलिंग का सिमिलर वर्ड होगा, हो सकता है। डिफ़िकल्ट मतलब कि कोई चीज़ आप करने के लिए जा रहे हैं उसमें आपको तकलीफ़ हो रही है, बाधा आ रही है। सिंपल जो कि आपके अनुसार काम हो जा रहा है आसानी से। पजलिंग मतलब आप अमेज हो चुके हैं, किस चीज़ को देखकर आप चौंक गए हैं और वहीं के वहीं रुक गए हैं, आपके दिमाग में कुछ काम नहीं कर रहा है, ऐसा है पजलिंग। और लॉन्ग मतलब सबसे लंबा, और न्यू मतलब सबसे नया। और तो कौन सा सिमिलर वर्ड है बफलिंग का, पजलिंग मतलब जहाँ थे वहाँ रह गए, आपके समझ से बाहर है कोई चीज़। नेक्स्ट क्या दिया है, लीनियंट पेरेंट। लीनियंट पेरेंट, लीनियंट मतलब मर्सीफुल, मर्सीफुल, बहुत जल्दी माफ़ कर देना, काइंड होना, सिंपैथेटिक होना, और जेंटल होना, सॉफ्ट होना, टॉलरेंट होना। टॉलरेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा सह लेते हैं, जो भी जो कहे वो सुन लेते हैं। और मॉडरेट होना, फॉरगिविंग होना, सॉफ्ट होना, और ये सब होता है लीनियंट। अब देखते हैं इन पांच वर्ड में से कौन सा वर्ड सबसे सिमिलर होता है लीनियंट से। तो पहला वर्ड दिया है टॉल। टॉल का मतलब क्या होता है, टॉल का मतलब होता है बहुत ही लंबा। अब देखते हैं नॉट स्ट्रिक्ट, नॉट स्ट्रिक्ट मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना, जो भी जो कहे उसकी बात मान लेना, ये सब नॉट स्ट्रिक्ट होता है। वाइज होना, वाइज मतलब प्रूडेंट होना, बहुत ज़्यादा समझदार होना, जो जो भी काम करेगा वो सोच समझ कर करना, ये सब होता है वाइज। फुलिस का मतलब क्या होता है, फुलिस का मतलब स्टूपिड होना,
स्टूपिड होना, सिली होना, और क्या क्या होता है, और होता है डम्ब होना, पुलिस का मतलब डम्ब होना, रेकलेस होना, मतलब किस चीज़ का कोई भी ध्यान नहीं है, ये सब पुलिस होता है। ब्रेन नहीं होता है जिसमें, और क्या होता है, और मैड क्रेजी टाइप, उसे कहते हैं पुलिस। सीवियर का मतलब क्या कहते हैं, सीवियर मतलब सीरियस होता है, सीरियस डेंजर, कोई चीज़ आकर आपके लिए हानिकारक हो तो डेंजर होता है, एक्यूट होता है, क्रिटिकल कंडीशंस होते हैं, और पावरफुल और बहुत ही वायलेंट होता है, इसे सीवियर कहते हैं, ये सब सीवियर कहलाता है। तो कौन सा वर्ड सिमिलर होता है लीनियंट के साथ, हमारा नॉट स्ट्रिक्ट, लीनियंट मतलब नॉट स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत ही जल्दी मान जाते हैं कोई भी बात, उन्हें लीनियंट पेरेंट कहा जाता है। नेक्स्ट फ्रेज दिया है रिपल्सिव पर्सनालिटी। रिपल्सिव का मतलब क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट, बहुत ही ज़्यादा नफरत पैदा करने वाला फीलिंग्स होता है ये, डिस्गस्ट होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा वद्दा होता है, बहुत ही ज़्यादा हेटफुल होता है, जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। ऑफेंसिव होता है, ऑफेंसिव होता है, और क्या क्या होता है, इनटॉलरेबल होता है, इनसफरेबल होता है, जिसे आप सह नहीं सकते, और फ्राइटफुल होता है, टेरिबल होता है, ये सब रिपल्सिवी का सिमिलर वर्ड्स हैं। तो देखते हैं कौन सा वर्ड सिमिलर है रिपल्सिव के साथ। पहला वर्ड दिया है डिस्गस्टिंग, यही है हमारा आंसर, पहला ऑप्शन ही हमारा आंसर हो गया, डिस्गस्टिंग, जैसे मैंने पहले बताया था। अट्रैक्टिव, ये इसका क्या हुआ, ऑपोजिट वर्ड है, जिसका मतलब अट्रैक्टिव, जैसे कि आप किस चीज़ को देख ले, देखते ही आपको पसंद आ जाए, ये है रिपल्सिव का ऑपोजिट वर्ड। ये है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब सिंपल, जैसे आप सब जानते हैं। कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज मतलब जिसे आप किस चीज़ के बारे में आपको समझ भी नहीं आ रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उस चीज़ की वजह से, इसे कन्फ्यूज कहते हैं, आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अब कंसीटेड, कंसीटेड का मतलब क्या है, कंसीटेड का मतलब होता है प्राउड वन सेल्फ, बहुत ही ज़्यादा अपने आप से गर्व, मतलब कि अपने आप से इतना गर्व करते हैं कि आप अपने आप से आगे किसी को नहीं देखते। और क्या क्या सिमिलर वर्ड्स होता है कंसीटेड का, सेल्फ रिगार्डिंग होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, इगोइस्टिक होता है, और एरोगेंट होता है, प्राउड, फुल ऑफ वन सेल्फ, फुल ऑफ वन सेल्फ होता है, सेल्फ इम्पोर्टेंट, बहुत देना अपने आपको, सेल्फ इम्पोर्टेंट देना, सेल्फ इम्पोर्टेंट, सेल्फ इम्पोर्टेंट, और क्या होता है, और क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड होना, और कॉकी होना, और क्या, एरोगेंट होना, बता दिया, ये सब है कंसीटेड का मतलब। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डिस्गस्टिंग, जो कि रिपल्सिव का सिमिलर वर्ड है। नेक्स्ट फ्रेज दिया है ऑडेसियस अटेम्प्ट। ऑडेसियस का मतलब क्या है, ऑडेसियस का मतलब है विलिंग टू टेक रिस्क और डू समथिंग शॉकिंग, कि इसका मतलब क्या है, खतरा उठाना या फिर किसी के लिए खतरा लेना, मतलब कि बोल्ड होता है, बोल्ड मतलब साहस, बहुत ही ज़्यादा साहसी होता है, ब्रेव होता है, वाइल्ड होता है, वाइल्ड होता है, और क्या क्या होता है, अनअफ्रेड होता है, फियरलेस होता है, फियरलेस होता है, और क्या क्या होता है, डेयरडेविल होता है, डायनामिक होता है, स्पिरिटेड होता है, बहुत ही ज़्यादा उसमें क्या कहते हैं उसको, जो भी चीज़ करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटता किसी के लिए भी, हो गया ऑडेसियस, इसका मतलब ये सब है। अब देखते हैं इन पांच में से कौन सा ऑडेसियस के साथ मिलता है। पहला दिया है यूजलेस, यूजलेस तो नहीं हो सकता, यूजलेस मतलब किस चीज़ का कोई भी यूज़ नहीं है। बोल्ड, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है, तो बोल्ड क्या है, इसका सिनोनियम है ऑडेसियस का। अब देखते हैं
दूसरा, तीसरा और क्या क्या, जैसे कि फुलिस, फुलिस मतलब क्रेजी, ये दोनों सेम होता है। हाँ, ये बोल्ड और अडासियस का, ये दोनों हैं ऑपोजिट वर्ड्स है। अब देखते हैं नेसेसरी। नेसेसरी मतलब कोई भी चीज़ आपको ज़रूरत, जो नीडी होता है। नेक्स्ट दिया है पेरी अब्लो। पेरी अब्लो का मतलब क्या होता है? अगर आपको कोई अटैक कर रहा है, आप उससे बचने के लिए अगर कोई हरकत करें, या फिर कोई हाथ दिखाएं, या फिर आप उससे बचने के लिए कोई भी वेपन दिखा के आप उसको पीछे हटा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? उसको ब्लॉक कर रहे हैं, मतलब कि ब्लॉक करना। पेरी अब्लो मतलब ब्लॉक करना, काउंटर करना, काउंटर करना। आप उससे काउंटर कर रहे हैं, आप उससे बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उसे पीछे धकेल रहे हैं। समझ गए? आप देखते हैं कौन सा वर्ड इसका सिमिलर वर्ड वर्ड है। पहला दिया है वर्ड ऑफ। वर्ड ऑफ का मतलब भी यही है, जो कि डिफ्लेक्ट करना। डिफ्लेक्ट करना, डिफ्लेक्ट करना मतलब क्या ना, अपने आप को बचाना किस चीज़ से, बहुत ही बुरी चीज़ से आपको बचना बचना है, अवॉइड करना है। बहुत ही ज़्यादा बुरा होने से पहले आप अपने आपको उस चीज़ से अवॉइड कर देते हैं, अवॉइड करना। और क्या क्या होता है? फियर। फियर का मतलब तो आपको पता ही होगा, डर। एक्सपेक्ट मतलब आप किस चीज़ को पाने के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि आपको वो चीज़ मिल जाए। और इनवाइट मतलब अगर आपने, आपको किसी ने बुलाया है कहीं पे, तो आप उसका मतलब है इनवाइट करना। इग्नोर करना मतलब किस चीज़ को आप उसे देखना ही नहीं चाहते, अगर आपको उसका उस चीज़ की कोई है या फिर नहीं है उस चीज़ का, तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसे इसे कहते हैं वो इग्नोर करना। तो ये थे कुछ फ्रेजेस जो हमने डिस्कस किया, कुछ वोकैबुलरी डिस्कस किया। ये पार्ट वन है, इसका पार्ट टू भी आएगा बहुत जल्द। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।